हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहरहाल सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, सेल वाल। मतलब कि सेल वाल एक टॉपिक है सेल के अंदर का, ठीक है। इस सेल वाल टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए मैच्योर प्लांट सेल है, मतलब एक मैच्योर जो कोशिका भित्ति होता है, एक परिपक्व कोशिका भित्ति जो होता है उसके पास क्या क्या होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका, ए मैच्योर प्लांट सेल है, तो एक मैच्योर प्लांट सेल के पास होता है आपको प्रोटोप्लाज्म। पहला क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके बाद सेल वॉल भी होता है और वैक्यूल भी होता है। मतलब एक परिपक्व मैच्योर कोशिका भित्ति प्लांट सेल के पास, जो मतलब प्लांट सेल मतलब सेल वॉल, प्लांट में क्या होता है सेल वॉल, यानी सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। तो एक मैच्योर जो होता है कोशिका भित्ति सेल वॉल के पास क्या क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल और वैक्यूल होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल इन हायर प्लांट इज, बड़े बड़े प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो होता है क्या होता है, वो कैसा होता है, तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन के रूप में होता है। सेल वॉल इन हायर प्लांट इज सेलुलोज प्लस पैक्टिन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल इज नोन एज, सेल के बीच में जो माइनर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल्स, ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, टू एडजेसेंट सेल्स इज नोन एज। क्या क्वेश्चन है आपका, इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स इज नोन एज मिडिल लैमेला, इज नोन एज मिडिल लैमेला। एंड द नेक्स्ट वन इज मिडिल लैमेला इज मेड ऑफ, ये जो मिडिल लैमेला है वो किससे बना होता है, नाउ मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या है, सी ए एन एम जी। मिडिल लैमेला किससे बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज नोन एज, मतलब कि सेल वॉल का जो स्ट्रेंथ है और रिजिडिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिग्निन। क्या क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज नोन एज लिग्निन। एंड द नेक्स्ट वन इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, मतलब मिडिल लैमेला में जो मेन एलिमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो खास उसका तत्व है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, तो कैल्शियम में, द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला इज कैल्शियम। एंड द नेक्स्ट वन इज मिडिल लैमेला प्रेजेंट इन प्राइमरी और द सेल वॉल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज नोन एज, सेल वॉल का जो स्ट्रेंथ है और उसका रिजिडिटी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिग्निन, है ना। यानी कोशिका भित्ति का जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी है उसको हम लोग लिग्निन कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्या है कि द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, यानी मिडिल लैमेला के अंदर जो मेन एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी मिडिल लैमेला के अंदर जो मुख्य एलिमेंट होता है वो कौन एलिमेंट होता है, वो होता है आपको कैल्शियम, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है कि मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट इन, मिडिल लैमेला आखिर प्रेजेंट होता कहां है, क्या क्वेश्चन है कि मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट इन, मतलब मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता तो होता है कहां, तो वो कहां होता है मिडिल लैमेला आपका, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के आउटसाइड, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इज नोन एज, मतलब कि सेल का जो निर्जीव पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, वो क्या है, सेल वॉल, है ना। कोशिका का निर्जीव वाला भाग क्या है, मरा हुआ कोशिका क्या कहते थे हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें क्या कंफ्यूजन है, बड़ा आसान है ये। अगला क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट,
यानी सेल वाल कहाँ का नहीं होता है, तो सेल वाल तो प्लांट में होता है, मतलब ये कहाँ का नहीं होगा, तो गैमेट्स में नहीं होगा, तो ह्यूमन बीइंग्स में गैमेट्स होता है, अमीबा में नहीं होगा और माइकोप्लाज्मा में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल वाल ऑफ यानी कि फंजाई जो होता है, फंजाई उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है। सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ क्यूटीन, यानी फंजाई का जो सेल वाल कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, यानी बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेल वाल इज अब्सेंट इन, कोशिका भित्ति कहां नहीं होता है भाई लोग, जानवर में, एनिमल्स में नहीं होता है, बाकी प्लांट में होता है, और आसान क्वेश्चन है, सेल वाल इज अब्सेंट इन एनिमल्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज मोस्टली इम्पैग्नेटेड विथ, यानी कॉर्क सेल का जो दीवार है, वॉल है, वो अधिकतर किससे इम्पैग्नेटेड होता है ना, इम्पैग्नेटेड होता है, तो वो आपका क्या है, सुगरीन। वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज मोस्टली इम्पैग्नेटेड विथ सुगरीन। ओके,